आपको बता दें क्योंकि महंगाई पर सियासी मुनाफे का रंग चढ़ने लगा है और ये और चोखा होगा क्योंकि आज 12वें दिन भी तेल की कीमतों में वृद्धि हुई है। दिल्ली में पेट्रोल 39 पैसे और डीजल 37 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ है। दिल्ली में पेट्रोल 90 रुपए 58 पैसे प्रति लीटर पहुंच चुका है, वहीं डीजल 80 रुपए 97 पैसे प्रति लीटर पर पहुंच चुका है। और इस बढ़ोतरी के खिलाफ राजस्थान से लेकर मध्य प्रदेश तक कांग्रेस ने बड़े विरोध प्रदर्शन की तैयारी कर ली है। नारेबाजी, सिलेंडर मोटरसाइकिल की अर्थी और विरोध प्रदर्शन, सियासी बैनरों तले ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि देश में तेल की कीमतें 11 दिनों से लगातार बढ़ रही हैं और इसी विरोध प्रदर्शन को कांग्रेस ने एक कदम और आगे ले जाने का ऐलान किया है। इनमें दूसरे दल भी शामिल होंगे। आज राजस्थान में कांग्रेस की कद्दावर नेताओं की फौज पदयात्रा पर निकलेगी जिसकी अगुवाई खुद राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत करेंगे। तो मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस ने आधे दिन के बंद का ऐलान कर दिया है। भोपाल में दिग्विजय सिंह इस बंद की अगुवाई करेंगे। वहीं टीएमसी भी आज महंगाई के मुद्दे पर पूरे राज्य में जिलेवार तरीके से जुलूस निकालेगी। सबके निशाने पर केंद्र सरकार है, आरोप है कि बढ़ी कीमतों के लिए वही जिम्मेदार है। या उससे अधिक पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ा दी। मोदी जी का एक ही नारा है, हम दो हमारे दो, डीजल 90 पेट्रोल। आरोप अपनी जगह ठीक हो सकते हैं लेकिन सवाल यह है कि कीमतों के लिए क्या वाकई सिर्फ केंद्र सरकार जिम्मेदार है या फिर इस महंगाई की आड़ में मुनाफे की मलाई राज्य सरकारें भी खा रही हैं। ये है पीपीएसी यानी पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल का वो डेटा जिसमें दर्ज है कि कौन सा राज्य तेल पर कितना वैट वसूलता है। सबसे बड़ा विरोध प्रदर्शन आज राजस्थान में है। राजस्थान में ही पेट्रोल ने सबसे पहले सेंचुरी लगाई थी, इसलिए पहले राजस्थान की ही रिपोर्ट दिखाते हैं। सीरियल नंबर 39 पर यहां राजस्थान का नाम लिखा है और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि मणिपुर के बाद राजस्थान इकलौता वो प्रदेश है जो तेल पर सबसे ज्यादा 36% वैट वसूलता है। जी हां, 36%। इसके अलावा डेवलपमेंट सेस अलग है, ऐसे ही डीजल पर प्रति लीटर 26% वैट है, रोड विकास सेस अलग। मतलब ये कि अगर मान लें कि पेट्रोल की कीमत अगर 100 रुपए लीटर है तो राजस्थान सरकार की जेब में सीधा सीधा 36 रुपए चला जाता है। इसके बाद डीलर चार्ज, एक्साइज ड्यूटी और पेट्रोलियम कंपनी का मुनाफा अलग। राजस्थान सरकार कच्चे तेल से पहले ही 3600 करोड़ रुपए का राजस्व कमा रही है, फिर भी वहां वैट सबसे ज्यादा है। और राजस्थान ही नहीं, बीजेपी शासित मध्य प्रदेश में प्रति लीटर पेट्रोल पर 33% वैट लगता है। टीएमसी शासित पश्चिम बंगाल में 1 लीटर पेट्रोल पर 25% वैट है। गुजरात और अरुणाचल प्रदेश वो राज्य हैं जो सबसे कम 20% वैट लेते हैं। दिल्ली सरकार भी 30% वैट वसूलती है। अब सवाल ये कि तेल की बढ़ी कीमतों के लिए अकेले केंद्र सरकार की जिम्मेदारी कैसे बनती है? राज्य सरकारों का लगाया भारी भरकम वैट भी तो महंगाई के लिए जिम्मेदार है। सड़क पर प्रदर्शन के लिए निकलने से पहले इस सवाल का जवाब राज्य सरकारों को देना चाहिए, खासतौर पर राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार को। हालांकि राज्यों की तरह जवाबदेही केंद्र सरकार की भी बनती है क्योंकि पिछले कई सालों में उसने भी अपना खजाना भरा है। पिछले साल फरवरी में 1 लीटर पेट्रोल पर केंद्र सरकार 19 रुपए 98 पैसे एक्साइज ड्यूटीज वसूलती थी, जो अब बढ़कर 32 रुपए 98 पैसे हो गया है, सीधे 13 रुपए ज्यादा। ऐसे ही 1 लीटर डीजल पर फरवरी 2020 में केंद्र सरकार 15 रुपए 83 पैसे एक्साइज ड्यूटी वसूलती थी, अब 31 रुपए 83 पैसे वसूल रही है, यानी 16 रुपए का इजाफा। महंगाई ने इतना मार डाला है, आम आदमी की कमर टूट गई है इससे। आम आदमी की जीविका जो है वो बहुत ही ज्यादा कष्टदायी हो चुकी है, तो ऐसी सरकार किस काम की जो इंसान का जीना मुश्किल कर दे। महंगाई की मार का पहला शिकार मिडिल क्लास ही होती है, इसलिए उसका नाराज होना स्वाभाविक भी है। समझिए कैसे।
मान लीजिए कि दिल्ली में रहने वाला एक व्यक्ति अपनी वैगन आर कार के लिए पिछले साल फरवरी में एक महीने में 5 लीटर तेल का इस्तेमाल करता था, तब उसे 359.45 रुपए देने पड़ते थे, लेकिन अब उतने ही पेट्रोल के लिए उसे 450.95 रुपए देने पड़ रहे हैं, मतलब सीधे सीधे 91.50 रुपए ज्यादा। ऐसा भी नहीं कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत महंगी है, बल्कि आपको जानकर हैरानी होगी कि मनमोहन सरकार के मुकाबले अब कच्चा तेल आधे से भी कम कीमत पर मिल रहा है, फिर भी तेल की कीमतें कम नहीं हो रही हैं। ABP News आपको रखे आगे।